हरियाणा सरकार के 5 आईपीएस और 2 एचपीएस अधिकारियों के नियुक्ति और स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद आज पंचकुला के नए डीसीपी सुरेंद्र पाल सिंह ने अपने कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। इससे पहले पंचकुला के डीसीपी मोहित हांडा को यमुनानगर जिले में बतौर डीसीपी ट्रांसफर किया गया है। पंचकुला के नए डीसीपी सुरेंद्र पाल सिंह ने परेड की सलामी ली, उसके बाद अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान उनके स्वागत के लिए पंचकुला पुलिस के सभी एसीपी और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। नए डीसीपी सुरेंद्र पाल सिंह ने अपना कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि शहर में ट्रैफिक सही तरीके से चले और आमजन को न्याय मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि वो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए काम करेंगे। पंचकुला जिले में पुलिस कर्मचारियों की कमी होने पर बोलते हुए डीसीपी सुरेंद्र पाल ने कहा कि पुलिस कर्मचारियों का हौसला बुलंद होना चाहिए, कभी भी स्टाफ की कमी नहीं होती। उन्होंने कहा कि पंचकुला पुलिस एक्टिव है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचकुला में नशे के कारोबार पर भी शिकंजा कसा जाएगा और किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारा सबसे मेन तो ट्रैफिक का रहेगा, ट्रैफिक स्मूथली चले, पब्लिक को अच्छी तरह से जस्टिस मिले, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है और पब्लिक की जितनी भी समस्याएं उनको दूर करना है और पुलिस को एक्टिव करना है। जी, एक यहाँ पे पुलिस की काफी कम संख्या है सर, उसके बाद वीआईपी ड्यूटीज काफी रहती है, उनको उसको कैसे टैकल करेंगे? पुलिस को हौसला बुलंद करेंगे, पुलिस 4 गुना ड्यूटी करेगी, पुलिस एक्टिव है, अच्छी रहेंगी। पांडा साहब ने अच्छा काम किया यहाँ पे, जो पुलिस उनको मोटिवेशन करके हम उनसे काम लेंगे। पुलिस कम नहीं होती, हौसला बुलंद होना चाहिए, सारा ठीक हो जाता है। तो सर, नशे का कारोबार जो है पंचकुला में, अगर इस तरह की नशे वाली बात बता रहे, इस चीज पे हम शिकंजा कसेंगे। अगर कोई जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट पाएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा, गलत आदमी को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एक साइबर क्राइम भी काफी बढ़ रहा है सर पंचकुला में, काफी, क्योंकि बुजुर्ग लोग काफी रहते हैं, रिटायर्ड पर्सन, उनके साथ साइबर क्राइम काफी मात्रा में बढ़ रहा है। इस तरह के जो क्राइम को रोकने के लिए हम स्पेशल कदम उठाएंगे, साइबर की हेल्प लेके उनके खिलाफ एज पर लो जो क्रिमिनल्स, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, एफआईआर जो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं जी, इस तरह के लोगों में नजर रखी जाएगी। इस तरह के जो आदमी है उनको पहले से हम कार्रवाई करेंगे और किसी केस में इन्वॉल्व पाए तो उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे एज पर लॉ। सर, बीते दिनों एफआईआर कराने के लिए खुद गृह मंत्री को यहाँ पर आना पड़ा था सर, तो ये देरी जो एफआईआर होने में होती है, किसी तरह की डिले नहीं होगी, एज पर लॉ जो बनेगा सबकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी एज पर लॉ। नए डीसीपी ने अपना कार्यभार संभालते हुए जनता को न्याय दिलाने का वादा किया है और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की भी बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नए डीसीपी अपने इन वादों पर कितना खरा उतरते हैं। पंजाब के सी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।